वेलकम भूपेश जी. आज हम मिल रहे हैं 24 अगस्त. सो आई थॉट आज की बातचीत हम लोग शुरू करें कल की बात से, क्योंकि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था आपके लिए भी और कंट्री के लिए भी. एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका जन्मदिन था, भारत चांद पे पहुंचा और पृथ्वी पर EDI आपके निकट जो आपके लोग हैं उनके दरवाजे पे दस्तक दी. तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, पर इन तीनों पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, चांद पे उतरना ये ऐतिहासिक घटना है. दूसरा जन्मदिन तो हर साल आते ही हैं, मेरा भी आया. और तीसरी बात यह है कि जो तोहफा मिला है वो छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो राजनीति प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रजातंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने विचार लेके जनता के बीच में जाए, फेयर इलेक्शन हो. लेकिन अभी से इसकी शुरुआत हो गई कि फेयर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि EDI के माध्यम से जहां अधिकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है, दूसरा उद्योगपति व्यापारी उसे डराया जा रहा है, तीसरा जो राजनीतिक दल के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको डराया जा रहा है. तो ये, और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की कोशिश की गई है, और कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली. महाराष्ट्र बहुत ताज़ा उदाहरण है. बिना लड़े सरकार वहाँ बदलती रही है. और अभी जिन लोगों को बताए थे बहुत भ्रष्ट है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, सफाया करके रहूँगा, बिल्कुल ठीक कहते हैं. किसी को दूसरे दल में नहीं रहने देना है, सबको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले लेना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, असम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, किसी को छोड़ना नहीं है, सब अंदर आ जाओ, सब साफ. भूपेश जी, आपने जो जवाब कर दिया, वो ट्वीट आपने जो किया था, तो उसमें आपने बोला कि मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद एक अमूल्य तोहफे के लिए, जो ईडी वाला तोहफा. इससे एक तो ये मुद्दा जो है वो तो है सीरियस जो आप बोल रहे थे, पर आपका जो लहजा था वो भी आज के दिन में वो दिखता नहीं है. या तो कटुता, कट्टरता, या साइलेंस है, या अग्रेशन है, पर ये जो तंज, ये जो सैटायर, सार्कैज़म, ये जो प्लेफुलनेस एक होती है, सीरियस इश्यूज को भी प्लेफुली कहा जा सकता है, वो नहीं दिखता है हमको. आपको क्या लगता है कि आजकल जो हम लोगों की बातचीत का तरीका है, पॉलिटिक्स की जो बातचीत है, उसमें से ये चीज़ जा चुकी है? हाँ, बात तो सीधा आज के राजनीति जो है, और ख़ासकर ये सोशल मीडिया जब से आया है, वाटर यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तो लैंग्वेज की तो वाट लग गई है. पहले भाई प्रिंट मीडिया थे, और प्रिंट मीडिया में जो पत्रकारिता करते हैं वो बड़े या तो साहित्यकार होते थे या विचारक होते थे, तो ऐसे लोग इस क्षेत्र में आते थे. फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें फिर भाषा की गिरावट होना शुरू हुआ, और जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया है तब से स्थिति ये है कि उसको आप ये ट्वीट करके अपना पेज मत खोलिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स बिल्कुल मत खोलिए, नहीं तो आपका BP शुगर बढ़ने वाला है. आपने एक बार ट्वीट कर दिया उसके बाद भूल जाइए कि आपने क्या ट्वीट किया था, उसको मत खोलिए. इतनी गालियाँ रहती है, शब्दों का चयन तो दूर की बात है. मतलब वो 2 रुपया के किराए वाले रहते हैं, और उसके बाद उनकी भाषा देखिए तो. लेकिन इससे जो बात पहले कही जाती थी आज भी समसामयिक है कि बुद्धिजीवियों को पलायन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये आपकी आपका भाग्य है कि पहले लोग थे, यदि नेहरू जी की बात करें तो लोहिया जी उससे लड़ते थे, तो ये लोहिया जी का भाग्य था कि नेहरू जी जैसे प्रतिद्वंदी उसके सामने थे। बाद के कार्यकाल में देखें तो ये उनका सौभाग्य है कि उनको कभी इंदिरा जी या जयप्रकाश नारायण या और दूसरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सामने होते थे। लेकिन आज हम लोगों के भाग्य में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे साथ, लड़ना तो उससे पड़ेगा क्योंकि किस्मत में आपने वही पाया है, तो उससे तो लड़ना पड़ेगा, आप प्लान नहीं कर सकते। वंदा जी, ये तोहफे की जो जिक्र कर रही थी, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तोहफे उपहार तो अभी आते रहेंगे, आप चिंतित है कि ये आप तक भी पहुंच सकता है, आपके कार्यालय में भी पहुंच सकता है, ईडी का ये जो चपेट में आप भी आ सकते हैं? और इसमें अगर मैं जोड़ दूं, आपने देखा आपके आसपास के स्टेट्स में क्या हुआ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो क्या कभी आपको लगता है कि आपके पास बहुमत तो है छत्तीसगढ़ में, पर वो टिका रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, जो सामने वाले हैं ना, वो किसी स्तर पर जा सकते हैं, जो स्तर आप सोचते हैं ना उससे भी नीचे जाएंगे, क्योंकि जब सोनिया जी और राहुल जी को ईडी का नोटिस हुआ था, हम लोग 24 अकबर रोड में कांग्रेस भवन में हम लोग जा नहीं पाते थे, वहाँ जो थे वो बंधक बन गया था और चारों तरफ सड़कें रोक दी गई थी, हम अपने कार्यालय में नहीं जा पा रहे थे। और इस समय, ऐसे समय में मीडिया की क्या भूमिका थी? एक स्वतंत्र देश में, प्रजातांत्रिक देश में, यदि राजनीतिक दल, वो भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, तो यदि भूपेश बघेल के घर, यदि घर में यदि छापा मार दे, कौन सी बड़ी बात है? हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक तो नहीं छोड़ा। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता, चाहे विद्याचरण शुक्ल हो, चाहे महेंद्र कर्मा हो, चाहे नंद कुमार पटेल हो, सब लोगों की हत्या कर दी गई झीरम घाटी में। तो आपको किसी से भी इनकार नहीं कर सकते, आपके इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं है कि आप, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो वहां रणनीति बन रही होगी, किसके घर में कैसे छापा मारना है, किसको किसको पकड़ना है, मतलब जो मेरे से जुड़े हुए बड़े लोगों को छोड़ दिए, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उसके यहाँ छापा कल मारे। पर सवाल ये है भूपेश जी कि आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? आप, याद होगा लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा राजनीति 3 बीमारियों से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण। तो जाहिर सी बात है चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, तो आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? मैं तो पहले ही बताया कि ये खाली बोलना कि देखिए ये सारे ओपोजिशन पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं, ईडी लगा रखा है, आईटी लगा रखा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या एक ही राजनीतिक दल के लोग हैं और 200 छापे डाले हैं? उस एक भी धोखे से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या उसे संबंधित या उससे जुड़े हुए लोगों के यहां नहीं पड़ा। देश में भी देख लीजिए, क्या कभी आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जुड़े कोई ठेकेदार है, व्यापारी है, उद्योगपति, उसके छापा पड़ा, या वहां के अधिकारियों के खिलाफ छापा पड़ा, या मध्य प्रदेश में पड़ा है? तो उनके साथ रह के भ्रष्टाचार करेंगे, वो शिष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो मैंने लिखा प्रधानमंत्री जी को पत्र, होम मिनिस्टर को पत्र लिखा, चीट फंड कंपनी के बारे में पूरे देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला है, अभी 10,000 रुपये बांटे भी हैं सारा इंडिया का। छत्तीसगढ़ में भी हजारों करोड़ के राशि लूट के ले गए और उन कार्यालयों का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग उद्घाटन किए और बाकायदा शासकीय तौर पर उसके रोजगार मेला के रूप में उसको सर्टिफिकेट दिए लोगों को। सेबी के रोक के बाद भी उन कार्यालयों को फिर से खोला गया,
और जनता का पैसा लूट के वो लेके भाग गए। मैं कह मनी लॉन्ड्रिंग इससे बढ़िया केस क्या हो सकता है? आम जनता का पैसा है, हजारों करोड़ रुपया है, थोड़ा बहुत नहीं है। इसे कम जांच कर ली हम लोग अपने स्तर पे किए, और करीब 700 जो डायरेक्टर हैं वो जेल में है भी, लेकिन फिर वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में है, उसको हम जब्त भी करें, नीलामी करें, और देश में पहला राज्य है जो जो डायरेक्टर लोग हैं उसके संपत्ति जैसे पता चला उसको कोर्ट से कुर करा के आदेश लेके कुर कराएं, और हजारों लोगों को पैसा वापस हमने किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो इससे बढ़िया केस क्या हो सकता है? मैंने पत्र लिखा, ईडी डायरेक्टर को भी लिखा, गृह मंत्री को लिखा, वित्त मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया, न उसमें कोई कार्रवाई हो रही। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ आप खड़े हैं? भ्रष्टाचार मतलब यह है कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, वही भ्रष्टाचार दिखता है। जनता का पैसा डूब गया इसमें कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें नहीं कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री लिख रहे हैं चिट्ठी, तो कम से कम उसका जवाब तो हो, उसमें कोई कार्रवाई तो हो। तो कहाँ आप भ्रष्टाचार के 15 अगस्त को भाषण देने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। भव्य जी, 11-12 पार्टियां मिलके आप कोर्ट की जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये EDIT हम सबके पीछे पड़े हुए हैं। कोर्ट ने भी कहा नहीं, ऐसे ब्लैंकेटली हम कुछ नहीं बोल सकते, आप स्पेसिफिक केसेस लेके आइए। तो अगर आपको लगता है कि ये लिकर स्कैम जो कहते हैं, या ये महादेव ऐप जो बोल रहे हैं, या माइनिंग वाले, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते जब उन्होंने खुद कहा कि आप स्पेसिफिक केस लेके आ सकते हैं? तो वो ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, गए ना, जो पीड़ित लोग हैं वो गए हैं, और उसमें जांच रुका भी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, लेकिन अभी तक के बेल नहीं मिली है लोगों को। हेल्थ ग्राउंड में 2-3 लोगों को मिला, बचत लोग तो अभी भी जेल में। आपने जांच रोक ली, लेकिन बेल मिल रहा है क्या? आप तो एक बार ऐसा कानून बनाया, ऐसा संशोधन किया कि एक बार ED में किसी गिरफ्तार कर लीजिएगा तो भूल जाइए कि आपका कभी बेल होगा। और सरकार बदनीति से कार्रवाई कर रही है तो इसे तो कोर्ट को देखना ही चाहिए। बिना ECIR नंबर के आप जांच कर रहे हैं, ये भी लेके गए हम लोग। बिना ECIR के विभागों को लिख रहे हैं कि हमको ये जानकारी दो। तो नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं है, जिसको चाहो जिसकी मर्जी हो, रात में सपने में भी उनको आया कि इसको कब गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। और इतना मार पिटाई, गाली गलौज, धमकी, तुम इसमें दस्तखत करो नहीं तुमको जेल में भेजेंगे। मैं तो कहता हूँ कोर्ट से कि ये यदि छत्तीसगढ़ में जो इनके ऑफिस है ना ED के, उसको फुटेज निकाले, रात को 10-11 बजे के बाद आप पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश पूछताछ है देर रात के बाद है। महिलाओं को रात रात भर बिठा कर रखने, मतलब आपने एक निरंकुश छोड़ दिया है कि आप कुछ भी कर लें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भूपेश जी, अगर ED से थोड़ा हटके, तो आपका स्टेट में एक्चुअली बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है, पर आप खुद एक ड्विंडलिंग ट्राइब के पार्ट हैं। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स का जो ट्राइब है वो घटता जा रहा है। अब आप 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, आपके अलावा 3 और हैं खाली। तो ऐसा क्यों है भूपेश जी कि जब BJP में मोदी जी सेंटर के लिए दावा दे रहे थे अपना, तो उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया और उसका पूरा प्रचलन हुआ, उसकी पब्लिसिटी हुई, प्रोजेक्शन हुआ। कांग्रेस के कोई भी चीफ मिनिस्टर ने उस तरह का स्टेट डेवलपमेंट मॉडल क्यों नहीं वो बना पाई? कि क्यों नहीं हमारे पास कोई छत्तीसगढ़ मॉडल या राजस्थान मॉडल या बहुत बढ़िया सवाल। केजरीवाल साहब का एक दिल्ली मॉडल भी है। केजरीवाल जी के पास है दिल्ली मॉडल जो वो लेके जाते हैं दूसरे स्टेट्स में। दोनों पता नहीं एक दूसरे पे कौन भारी है, पता नहीं है आज तक। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, उसके लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि गुजरात मॉडल को लेकर 2014 में मोदी जी आए, पूरे देश में चर्चा हुई गुजरात मॉडल लाया जाएगा, लेकिन 10 साल बीत गया,
किसी को नहीं पता चला देश के लोगों के गुजरात मॉडल है क्या, किसी को उसका लाभ होते हमने नहीं देखा है। बस ये है कि दो मित्रों के अलावा किसी के लाभ होते तो मैंने नहीं देखा है, आपको हो तो बताइएगा। लेकिन कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसमें मैं बता सकता हूँ कि उसमें किसानों का लाभ हुआ, उसकी आय बढ़ी, मजदूरों की आय बढ़ी, लघु उपज संग्रह के उसकी आय बढ़ी, बेरोजगारी भत्ता भी है, तो सार्वभौम PDS भी है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हमारे जब भी हम लोग जाते हैं उसकी चर्चा होती है, हमारे नेता लोग भी करते हैं। राहुल जी ने यही न्याय की बात कही थी, और जब हम लोग 2018 के पहले जब भी चुनाव प्रचार में जाते थे, कभी गाड़ियों में रहते थे, कभी हेलीकॉप्टर में, तो राहुल जी एक बात कहते थे कि सबको लगना चाहिए कि सरकार मेरी सरकार है। और आज मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोई भी वर्ग, ये हर वर्ग ये कहेगा कि ये सरकार हमारी सरकार है। केजरीवाल साहब का जिक्र हो रहा था, तो 3-4 दिन पहले आपके प्रदेश में आए थे, कुछ गारंटियों का घोषणा भी करके निकल गए। आप उनको चैलेंजर मानते हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया अलायंस का वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आप उनको कैसे देखते हैं, चैलेंजर मानते हैं या एक नया नेता आपकी प्रदेश में आए हैं उनको स्वागत करेंगे, या कुछ ऐसे शोर शराबा करके बाद में एक अलायंस करके 3-4 सीट ले लेंगे, क्या क्या लगता है आपका, उनका फिराक क्या है? देखिए, केजरीवाल जी के मैं प्रशंसा करूंगा इस मामले में, खबर में कैसे बने रहना है उसको बेहतर आता है। मैं जब से केजरीवाल आए तब से पत्रकार लोगों का एक ही सवाल है, केजरीवाल जी आए थे तो उसको पता है वो इंडिया गठबंधन भी चल रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गए, एक हाल बुक कराया और उसमें कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। आज दिल्ली, रायपुर से लेकर दिल्ली तक के सारे पत्रकार मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। तो उनकी खासियत है कि मीडियम कैसे बने रहना, कभी खांस के बन जाएंगे, कभी बात करके बन जाएंगे। भूपेश जी, आपके लिए एक ज़रूरी भी था, पर आपने ये किया भी कि एक छत्तीसगढ़ी अस्मिता के बारे में आपने बहुत बात की है। आपके लिए ज़रूरी इसलिए था कि छत्तीसगढ़ जाना जाता था नक्सल इशू के लिए, जाना जाता था पिछड़ेपन के लिए, बस्तर ट्राइबल बैकवर्डनेस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्राइबल्स, तो इसको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, टू ब्रिंग प्राइड इन टू इट, टू से आपका स्लोगन रहा है क्या, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो ये जो आपकी सोच थी, ये जो आपको एक आपने कोशिश की ये बदलने की सब्जेक्ट, ये कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से आपने किया ये? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो जीरम घाटी में शहीद हुए, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, और उस परिवर्तन यात्रा में जो मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता परिवर्तन नहीं था, परिवर्तन लोगों के जीवन में आना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, शिक्षक, चाहे वो नौजवान हो, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और उसके बाद जो लगातार हम लोग काम करते रहे और सब चीज़ को देखते रहे कि इसमें ये काम किया जा सकता है, इस वर्ग के लिए किया जा सकता है, हमारे पास खजाने में एक निश्चित राशि है, उसका किस प्रकार से वितरण हो ये महत्वपूर्ण है। और मैं इस समय घनश्याम दास बिरला जी को याद करना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि पैसा कमाना आसान है, खर्च करना सबसे कठिन है। तो खर्च कैसे किया जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप पैसा कमाते हैं, आपको भी तनख्वाह मिलती है, दूसरे व्यापारी हैं वो व्यापार करके पैसा कमाता है, लेकिन उसको इन्वेस्ट कैसे करना है वो सबसे बड़ी बात। तो छत्तीसगढ़ सरकार में हम लोगों ने जो 5 साल काम किया वो उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। कभी किसान नहीं सोचे थे कि उनका ऋण माफ़ी होगा, राहुल जी ने कहा हम ऋण माफ़ी करेंगे और 2 घंटे के अंदर में करके दिखाया। 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात कही थी, और लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में भी किसानों को 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हमने की। वो दौर था जिस व्यापारियों की दुकानें बंद थी और लघु उपज के खरीदने वाला कोई नहीं था, शासन के द्वारा हमने ऐसी व्यवस्था की कि पूरे देश में 74% लघु उपज छत्तीसगढ़ में खरीदा गया, जो महुआ 17 रुपये में समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया, हम 31 रुपये में खरीदे उस दौर में जब कोरोना था।
तो लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम, चाहे वो लघु उत्पाद संग्राहक हो, चाहे वो गौपालक हो, चाहे वो किसान हो, सबके जेब में पैसा पहुंचना चाहिए। और अभी इन 4.5 सालों में लगभग 160,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधा आम जनता के जेब में गया है। उसका फायदा ये हुआ कि व्यापार बढ़ा, हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है, चाहे कोई भी सेक्टर चल लीजिए, चाहे रियल सेक्टर हो, चाहे जेम ज्वेलरी चले जाए, चाहे ऑटोमोबाइल चल जाइए, चाहे टेक्सटाइल में चले जाइए, कोई भी सेक्टर में हमारी मंदी का कोई असर नहीं है, सब में ग्रोथ आपको मिलेगा, वो आंकड़े बताएंगे आपको। तो ये जो अर्थनीति है, इसको ले, ये कांग्रेस की अर्थनीति है, और इसको लेकर हम लोग चले तो आज खुशहाली है सब जगह। पिछले साल मई में जब मैं आपसे मिला था रायपुर में, जब आप वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा शुरू कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि बीजेपी आरएसएस ने राम को, भगवान राम को रैम्बो बना दिया, हनुमान को एक क्रोधित फिगर बना दिया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आस्था के विषयों पर आप जितना खुल के बोलते हैं, धर्म के विषयों पर, हिंदुत्व के विषयों पर आप जितना खुल के बोलते हैं, आपका राम वनगमन पथ हो या कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धारण हो, ये बाकी कांग्रेस नेता, चीफ मिनिस्टर्स, वो इतना हिचकिचाते क्यों हैं जब आस्था के मामले में या धर्म से जुड़े बातों में बोलने में? ये तो आप लोगों ने छवि बना दी, नहीं तो हिमाचल प्रदेश जहाँ 97% हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें एक तरफा हम चुनाव जीते हैं, वहाँ भी प्रियंका जी लगातार सब मंदिर में सभी जगह गई हैं और हम लोग साथ में थे, शुक्ला जी वहाँ के प्रभारी, सब लोग गए हैं। तो हम लोग केवल वोट प्राप्त करने के लिए हम लोग हिंदू नहीं हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, भाषा, दर्शन यहाँ मानने वाले लोग हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्शन तो हमारे हिंदुस्तान में, तो सबको साथ में ले चलो ये है, और हम सभी भाग लेते हैं। लोग रोजा इफ्तार करने में डरते हैं, हम छत्तीसगढ़ में रोजा इफ्तार भी किए हैं, राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी कर रहे हैं, तो आदिवासियों के जो देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, उसको बना हजारों की तादाद में हम लोग निर्माण कराया, और पूरे क्या देश क्या दुनिया में कहीं आदिवासियों के नृत्य महोत्सव नहीं होता, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करा रहे हैं, और देश क्या दुनिया के 26 देश के लोग वहाँ आए, कलाकार लोग आए, आदिवासी कलाकार, तो हम तो सबको लेके चल रहे हैं ना, कि एक तरफा नहीं कर रहे हैं। इनका यह है कि इनमें डिवाइड करना है, जो कांग्रेस के जो दर्शन है, महात्मा गांधी के जो दर्शन है, उसमें सबको लेके चलना है। राहुल गांधी जी आज क्या बोलते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और आपने क्या किया, आप केवल हिंसा घृणा के आधार पर आप बांटने का काम कर रहे हैं, और दूसरा वोट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। अन्यथा ट्रेन में एक नौजवान जो हमारी जिसके कारण से हम सुरक्षित रहते हैं, वो अपने सीनियर को गोली नहीं मारते और 3 लोगों को खोज के गोली नहीं मारते, लगातार आप दिमाग में आप जहर भर रहे हैं, तो आप खोपड़ी गर्म कर देंगे, तो खोपड़ी गर्म होगा तो किसी झोपड़ी जलाएगा। तो आप ये देश, ये हिंसा घृणा का देश नहीं है, असहमति का सम्मान केवल इसी देश में है, और ये जो दर्शन है वो महावीर का दर्शन है, अनेकांतवाद, जिसको गांधी जी ने अपनाया, कि हम दूसरे के दृष्टि से भी देखें कि वस्तु वो देख रहा है वो भी सत्य है, और मैं देख रहा हूँ वो भी सत्य है, केवल मैं देख रहा हूँ वही सत्य नहीं है, सामने वाला देख रहा वो भी सत्य है, तो उसकी दृष्टि से हम क्यों देखने की कोशिश नहीं करें, और दूसरे की दृष्टि से हम देखना शुरू करेंगे तो आप में क्रोध नहीं आएगा, आपके मन में हिंसा भावना नहीं आएगी, हिंसा तो पशु करते हैं, उसको छेड़ दीजिए वो मारना शुरू कर देगा, इंसान के पास बुद्धि है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल भक्त लोग हैं वो विचार करना बंद कर दिए हैं, वो केवल हमला करते हैं, तो पशुता को और क्यों बढ़ रहे हैं आप? आपके पास बुद्धि है, विवेक है, और सबको लेके चलें, ये तो राहुल जी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। पर जैसे आप बोल रहे हैं बीजेपी चुनावी हिंदू है,
कई लोग ये भी कहेंगे कि कांग्रेस भी चुनावी हिंदू बनती है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो फिर ये जो टेंपल विजिट्स होती हैं, राहुल जी की हो, प्रियंका जी की हो, तभी आती हैं ये शुरू, जनेऊ की बात भी तभी होती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से हिंदुत्व पे चल रही है उसमें कुछ चेंज? देखिए एक चीज मैं बताऊं मैडम, बीच में मैं आपको काट रहा, क्षमा चाहूंगा। कांग्रेसी जितना धर्म को शिद्दत से जो मानते हैं, मैं नहीं समझता कोई दूसरा मानता होगा, चाहे पूजा पाठ करने की बात हो, धार्मिक अनुष्ठान करने की बात हो, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उस सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाते। आप जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, केवल वोट के लिए कर रही है। पर सार्वजनिक आप बोल रहे नहीं करते हैं, पर आप जैसे कांवड़ यात्रा में इस बार आप चले थे कुछ देर? मैं तो कई साल से जा रहा हूँ भाई, अब मुख्यमंत्री के रूप में आप मुझे कैमरा में कैद कर लिए तो दिख गया। तो वो सार्वजनिक हुआ क्योंकि आप मुख्यमंत्री भाई, मैं सालों नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये कह रहा हूँ कि राम के नाम से हम वोट कभी नहीं मांगे, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम राम के नाम से वोट नहीं मांगते, लेकिन राम पे पूरी आस्था हमारी है, कृष्ण पे आस्था है, हम कबीर को भी उतना ही मानते हैं, गुरु नानक देव को उतना मानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी हैं, बड़े समाज सुधारक थे, संत थे, उसको हम लोग मानते हैं, हम लोग निराकार को भी मानते हैं, हम साकार को भी मानते हैं, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में सब चीज़ हुआ है। तो उनके बीच में, समाज के बीच में जाने में तकलीफ क्या है, वो सभी जाते रहे। आप एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये पूरे हिंदी हार्टलैंड जो बोलते हैं, जो हिंदी बेल्ट है, आपके जो आर्गुमेंट, आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? परसेप्शन ये है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करता है, अपीसमेंट करते हैं, यू नो, प्रो मुस्लिम है या एंटी हिंदू है, विच एवर वे यू लुक एट इट, बट देयर इज दिस परसेप्शन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप यू आर सच अ गुड ओरेटर, आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो हिंदी बेल्ट में? एटलीस्ट क्या बात करते हैं, छत्तीसगढ़ हम जीते, मध्य प्रदेश हम जीते थे, राजस्थान हम जीते, उसके बाद अभी देखे लो हिमाचल जीते, लोकसभा तो देखिए, और ठीक है ना, अब इसके बाद तो 2024 भी जीतेंगे ना, कर्नाटक हम जीते। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि हिंदू और मुसलमान के नाम से ये लोग वोट मांग लिए, हिंदुओं के लिए किया क्या है ये बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछे मुझे भी अधिकार है, बता दीजिए, आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए किया क्या है जिसके नाम से आप वोट मांगते हो, जिसके नाम से वोट मांगते हो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैं किसान के को कहता हूँ कि भाई मैं आपको 25 रुपये क्विंटल में आपका धान खरीदूंगा, आदिवासी कहता हूँ कि भाई आपको वन अधिकार का अधिमान्यता पत्र दूंगा, वन संसाधन अधिकार दूंगा, तो उसको दे रहा हूँ ना। आप जिस नाम से वोट मांगते हैं उसमें उसको कुछ कर रहे हैं उसके लिए, बताए तो क्या कहे, कुछ किए हैं बताए? आप दिल्ली में रहते हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो एक छोटे प्रदेश में वनांचल है वहां रहता हूँ, कभी कभार दिल्ली आता हूं। सवाल तो फिर वही है, अगर आप मानते हैं कि उन्होंने कुछ ये नहीं बात किया अब है, ये बात तो अब लोगों के दिमाग, ये दिमाग में लोगों का आ रहा है, ये हमको केवल ठगने का काम कर रहे हैं। जो मूल जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम भाइयों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब ये बात जनता समझ गई, इसका कर्नाटक में देखिए बजरंग बली का गधा जो कैसे पड़ा वहां, प्रधानमंत्री जी नारा लगा, दोनों हाथ उठा के बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, और जब रिजल्ट आया ऐसा गधा पड़ा बहुत, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी चारों खाने चित्त हो गए। तो बजरंग बली अब हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ। भूपेश जी, नक्सलवाद जो था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की छवि इतनी देर तक उधर, मतलब उस पर टेंट रहा, तो वो उसका क्या स्थिति है आज? क्योंकि आपके रिसेंटली आपने कहीं बोला था कि 600 गांव शायद आपने एकदम नक्सल फ्री कर दिए हैं, तो क्या बट फरवरी में शायद 3 बीजेपी के लीडर्स के ऊपर अटैक, उनकी किलिंग हुई थी, तो आज की स्थिति क्या है? देखिए, जो हमारे नक्सल नीति है और उसमें जो सफलता मिली है, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये मंच है। यदि आज से 5 साल पहले यदि किसी मंच में जाते, पत्रकारों के पास रहते, तो पहला सवाल नक्सलवाद का होता था,
और मैं समझता हूँ ये 8वां-10वां नंबर का होगा। तो ये हमारी सफलता है कि हमने उसको देखने का नज़रिया बदला कि ये समस्या केवल बंदूक चलाने से नहीं होगी, इस समस्या का हल मतलब उसमें तो ये हो गया था कि हर आदिवासी ये समझता था कि सरकार के जो ये पैरामिलिट्री फोर्स है, स्टेट पुलिस के हैं, वो देख के मुझे या तो गिरफ्तार करेंगे, गोली मारेंगे या इनकाउंटर करेंगे। ये पूरे आदिवासियों के मन में आ गया था। हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा हम उनसे बात करेंगे, नक्सलियों से नहीं, आदिवासियों से, वहाँ परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, वहाँ के पत्रकारों से, वहाँ के व्यापारियों से, वहाँ जो तैनात जवान हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। तो जो बात निकल के आई वो यही है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो विश्वास की। सरकार भी विश्वास ही नहीं कर रही थी जनता। हमने लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस की, जो भूमि अधिग्रहण बिल बना, और आज तक के किसी आदिवासी की किसी सरकार ने आज तक की जमीन वापस नहीं किया है। छत्तीसगढ़ पहली सरकार है जो 1400 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस किया। उसे एक विश्वास के लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार जो कहती है वो करती है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा देना, फिर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उसके रोजगार की व्यवस्था करना, उसके लघुपन की खरीदी की व्यवस्था करना, उसके ऋण माफ़ी या उसके चाहे मिलेट्स, अभी भारत सरकार ने कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य आज तक घोषित नहीं किया है। मैं नीति आयोग में भी मामला उठाया था, प्रधानमंत्री से भी मैंने बात की थी, लेकिन अभी तक कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, क्योंकि वनांचल में बड़ी संख्या में वहाँ कोदो कुटकी का उत्पादन जो मिलेट्स में आता है, तो हमने उसे समर्थन मूल्य घोषित किया। और घोषित ही नहीं किया बल्कि खरीदने की व्यवस्था की, उसके मिल लगाए, भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स मिल के हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, अभी पिछले साल उसकी शुरुआत भी हमने की। तो लोगों को लगा कि यह, और फिर जितने करीब 1700 आदिवासी बंद थे पिछले सरकार ने, उसको जेल से रिहा करने की सब व्यवस्था भी की, केसेस को जल्दी निपटा के, क्योंकि उनके पास वकील लगाने की भी, वो कैसे जाएं क्या करें उतना भी समझ नहीं, तो ऐसे लोगों की लड़ाई भी लड़े, और उसके बाद 1700 लोगों को जेल से रिहा किया। तो एक दूसरी तरफ हम लोगों ने जो काम किया, सारे बहुत सारे कैंप में गया, और मैं जवानों से कहा कि ये थोड़ा सा आप नज़रिया बदल दीजिए, कैंप से बाहर निकलते जो पहला आदमी दिखेगा उसको आप नक्सली के शख्स से देखते हैं आप, तो आपके पास डॉक्टर हैं, थोड़ा गांव वालों की इलाज कर दीजिए। जवान लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ आप वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आपके पास कोर्ट है, सरकार के द्वारा सुविधा दी गई, उन बच्चों को भी आप खिला दो। दूसरा, आपके कैंप के पास किसी को बसने नहीं देते, मतलब कैंप के पास ही सोलर लाइट लगना चाहिए, वहाँ दुकानें होनी चाहिए, तो लोग आएंगे जाएंगे, आप तब उसे आपका परिचय होगा, आप लोगों को देखे रहेंगे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स कोई छत्तीसगढ़ का तो नहीं है या बस्तर का नहीं है, पूरे देश भर के लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों को आप देखते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नक्सली नहीं है, इस गांव के रहने वाले, पड़ोस के गांव के रहने वाले, वो उस दिन आया था, उस दिन सैलून में मुझे मिला था, ये आपके कुछ परिचय हो जाएगा, तो कम से कम उसको नक्सली तो नहीं समझेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल कैंप से निकले सीधा नक्सली समझते थे। तो वो लोगों के जो लोगों के साथ जुड़ा हो गया। फिर पहले जो दृष्टि थी लोगों की, जो सड़कें बनी थी, क्योंकि आदिवासी पैसा ही नहीं था तो पैदल जाते थे या साइकिल में जाते थे, तो उसे सड़क की जरूरत नहीं थी, लोग समझते थे ये सड़क जो बना है ना वो पुलिस के लिए या पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। आज हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, लघु खरीदी योजना, उसके बाद गोधन न्याय योजना, इतना पैसा दिए हैं कि सभी गाँव में मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार जीप हो गया, अब वो सड़क है ना वो पैरामिलिट्री फोर्स की नहीं, उसकी ज़रूरत हो गई। तो इसी कारण से 5 साल में आज एक भी सड़क गांव वालों ने नहीं काटा है, एक भी सड़क नहीं, तो सड़क बनती नया सड़क में 30-30 मीटर की दूरी में कार दिया जाता था, और कब बारूद भर के उसमें लैंडमाइन उसे उड़ा देते थे गाड़ियों को, उसमें भारी कमी आई। तो ये नक्सलियों के, तो अब ये हो गया कि उसकी भर्ती भी कम हो गई, क्योंकि लोग रोजगार से जुड़ गए, क्योंकि गांव के लोग ही तो पेड़ काटते थे, गांव के लोग ही नक्सलियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, तो गांव वाले ही सड़क को काटते थे,
भले वो ईडी तार जोड़ने के लिए आईडी के जो आईडी होता है उस तार जोड़ने काम एक्सपर्ट उसे नक्सली लोग करते रहे होंगे, बचत काम तो गांव वाले करते थे। अब उसका जन मिलिशिया है वो सब खत्म, उसको कोई सूचना देने वाला नहीं है। तो अब जो परिवर्तन आए तो नक्सली बहुत पीछे, याद अबूझमाड़ के और बीजापुर के इलाके में ही रह गए हैं, बचत जगह से नक्सली सिमट गए हैं। ये नीति परिवर्तन, मतलब ये जो पहली बार ये हुआ है कि हमारी सरकार बनने के बाद किसी पंचायत में काला झंडा नहीं फहराया गया 15 अगस्त 26 जनवरी को, और पहली बार ये है कि सारे पंचायत में चुनाव हुए हमारी सरकार बनने के बाद। नहीं तो सर पंचायत कितने खाली रहते थे, 2011 में जनगणना नहीं करा पाए। आज जिसकी चर्चा होती है जातिगत जनगणना और जनगणना, भारत सरकार 2011 के बाद जनगणना कहाँ करा रही, तो 2011 में वो एरिया में जनगणना ही नहीं हुआ था, आज हम हेड काउंट करा रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है लोग। भूपेश जी, एक बीजेपी ने नई कैटेगरी बनाई है वो अर्बन नक्सल की, वो क्या चीज है, अर्बन नक्सल कौन होते हैं? जो बीजेपी के विचारधारा सहमत नहीं है तो वो सब उसी कैटेगरी में आ जाएगी, जिसको भी टारगेट कर लो और उसको अंदर कर दो और कह दो कि अर्बन नक्सल है। आजकल वो शब्द कम सुनाई पड़ रहा है, कई लोग जेल में हैं अर्बन नक्सल का। हाँ, वो जेल में हो, अब गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। अब गोथान की बात कर रहे थे, ये इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, ये गोबर 2 रुपया पर किलो या 4 रुपया पर किलो खरीदने का, इसका क्या इकोनॉमिक लॉजिक है, या इट इज जस्ट अ ग्रैंड आइडिया विच लिंक्स यू टू पॉलिटिकल हिंदुत्व? ना ना, थोड़ा चश्मा बदलिए साहब, आप वैसे नहीं लगाते हैं। नहीं सर, आप सबको ये धार्मिक भावना से क्यों देखते हैं? अर्थव्यवस्था देगी, सामाजिक व्यवस्था से देखिए आप उसको। जब इस ये बजरंग दल वालों ने या विश्व हिंदू परिषद वालों ने मवेशी बाजार ही बंद करवा दिया, बेचने जाए वो मार खाता है, खरीदने जाए वो मार खाता है। आज किसी के पास मवेशी का बेचने खरीदने के लाइसेंस ही कम हो गया, मैं समझता हूँ मेरे प्रदेश में एक आध दो मवेशी बाजार रह गए हैं। तो आपके गौशाला है, आपके यहाँ जो कमरे हैं, जितना जानवर रख सकते हैं उतना ही आएगा, तो अधिक हो गया तो आपको बेचने पड़ेंगे। तो आज स्थिति क्या, आप खरीद नहीं सकते ना बेच नहीं सकते जिस, तो वो जानवर खुला छोड़ दिए, जो दूध देने वाले जानवर उसको घर में रखे, बचत जो और सरप्लस होते गए सबको आपने खुले में छोड़ दिया। तो इससे हुआ कि आप खेती करना मुश्किल, अपने छत्तीसगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में अभी भी है, रात रात भर जगवाली करते हैं, ये उनकी देन है धार्मिक कट्टरता के कारण से। पशुपालन है आज लाभदायक नहीं है, खेती आज लाभदायक नहीं है, मजबूरी में लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लाभदायक बनाने की कोशिश की, चाहे वो खेती को हमने समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने की व्यवस्था की, उसी प्रकार से जो गौ पालन है वो लाभदायक हो तो उसे क्या किए। अब सब समस्या का सोचे इसका समाधान क्या हो सकता है, तो गोबर खरीदना शुरू किया, 2 रुपये किलो गोबर और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र, और इसमें करीब 130 लाख क्विंटल हम लोगों ने गोबर खरीदा और करीब 260 करोड़ के आसपास की राशि हम गोबर विक्रेताओं के खाते में डाल दिए। उससे हुआ क्या कि जो दूध न देने वाले जो मवेशी है उसको भी घर में बांधना शुरू किए, कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, यदि किसी भी चाहे गाय हो बैल हो भैंस हो जिसको भी रखेंगे तो चारा खिलाना पड़ेगा और चारा खिलाना महंगा, वो भार दुधारू जानवर पे आ रहा था। तो उस चीज़ को देखा कि इसको यदि गोबर खरीदना शुरू कर दें, चारा का भी पैसा उससे आ जाए, तो लोग मवेशी खुले में नहीं छोड़ेंगे, और हुआ यही। दूसरा, आज खान पान में इतना पेस्टिसाइड मिला हुआ है, इतना आपके केमिकल फर्टिलाइजर आप खेतों में डाल रहे हैं, तो अनाज हो फल हो सब्जी हो सब जहरीले होते जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए क्या है कि
वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती, तो हमने उसे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया, रोजगार मिला। 10,000 हमारे पंचायत में अभी हमने गौठान बनाया है, करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली बिना डंडा चलाए, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गया। अब केवल गौ पालन ही वहाँ, गाय हमारे यहाँ डे केयर है भाई, मवेशी हो अपने मालिक के घर ही जाना है, शाम को सुबह फिर ले आओ, ये व्यवस्था की। गौशाला वाले जो प्रयोग है ना, वो असफल प्रयोग है। गौशाला में चारा के लिए पैसा नहीं दिया, गाय मर रही या गौशाला चलाने वाले वो अनुदान की जो राशि है वो डकार गया, तो गाय दुबली होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी देख लीजिए। तो ये जो हमारा जो मॉडल है, जो परंपरा चला है, कोई मैंने नया नहीं किया, लेकिन उस परंपरा को पुनर्जीवित किया, थोड़ा सपोर्ट कर दिया, और उसके कारण से वर्मी कंपोस्ट भी बना और दूसरी गतिविधियाँ भी, साग सब्जी भी उगाना शुरू कर दिए, फिर मुर्गी पालन भी हो गया, फिर उसमें मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं, मछली उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने वहाँ शुरू कर दी, और हमने गांधी जी के 185 वर्षगांठ में हमने सुराजी गांव की बात कही थी, तो रीपा हमने शुरू किया, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो अभी तक के हम लोग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना चुके हैं, जिसमें गांव के जो पुराने परंपरागत रूप से जो कारीगर हैं उनको हमने काम देना शुरू किया। नए जो लड़के हैं जो बाहर से सीख के कुछ आ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनको भी अवसर दे रहे हैं। उनके लिए भी 3 से 5 एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर दी, उसको डेवलप कर दिया, शेड बनवा दिया है, उसमें बिजली पानी घेरा की व्यवस्था, बैंकिंग की व्यवस्था, और उसके बाद उसके उत्पादन है, उसके विक्रय की व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, बहुत सारी योजना आप मुद्रा योजना ला रहे हैं और कुछ लोग योजना बेरोजगारी के लिए अलग अलग योजना ला रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि उत्पादन तो कर लेता है लेकिन सेल्समैनशिप एक अलग विधा है, वो हर के बूते के नहीं है। तो जो विक्रय करने की जो व्यवस्था है उसको हमने किया। उसके बाद हमने जो बड़े कंपनियां हैं या जो जो जिनको उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम ये उत्पादन कर सकते हैं, आपको कुछ करना है बताओ, हम ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको आप शुरू कर लीजिए, तो वो भी हम लोग करा रहे हैं। और हर शहर में हमारे सी मार्ट है, छत्तीसगढ़ मार्ट, तो विक्रय की व्यवस्था, तो जो भी उत्पादन है चाहे वो महिला समूह करे चाहे इंडिविजुअल कोई वहाँ उत्पादक कोई करे, उस सब की विक्रय करने की व्यवस्था, सब ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, आप भी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की वस्तुओं का, मैं आपके माध्यम से प्रचार भी कर रहा हूँ। भूपेश जी, आपका बहुत मल्टी फैसेटेड अपील है, क्योंकि आप आस्था की भी बात करते हैं, तो कमंडल एक तरीके से उसमें आपका एक बड़ा मुश्किल है, आप लोग अपने जेहन से मंडल कमंडल क्यों नहीं निकाल देते नहीं। और फिर आपके पास स्कीम्स हैं, काफी सक्सेसफुल आपकी स्कीम्स हैं, फिर आप अस्मिता की भी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी प्राइड की भी बात करते हैं, और रहा मंडल, बचा मंडल, उसमें भी आपकी असेंबली ने शायद एक बिल पास किया है जिसमें 76% कोटा आप लोगों ने रिकमेंड किया है, तो वो तो अब वो कोर्ट में जाएगा, वो 50% नहीं, वो राजभवन में अटका हुआ है जी, तो कोर्ट में बाद में जाएगा, विधानसभा पारित करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कोर्ट वहाँ राजभवन में अटका के बैठे हैं जी। भाई देखिए, मेरे छत्तीसगढ़ में करीब 31.9% मतलब 31-32% हमारे आदिवासी हैं, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 43-44% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसके भी इसलिए कह रहा हूँ, देखिए यदि पिछड़े वर्ग के भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो 2018 में RBI का जो रिपोर्ट आया उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 40% छत्तीसगढ़ में, जिसकी बात आप पहले कहे गरीबी और भुखमरी की बात, तो 27% भारत सरकार मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन, भारत सरकार खुद 27% दे रही है, तो मैं अपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू करूं। भारत सरकार ने फिर लोकसभा में पारित कर दिया कि EWS है उसको 10% तक दिया जा सकता, हमने हेड काउंट कराया पिछड़े वर्ग और अपर क्लास के लोगों का, तो 3.5% आया, हमने कहा 4% दो, तो सब मिला के 76% हो गया। तो जो जो प्रावधान या तो संविधान में है या भारत सरकार ने किया या मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया, वो सबको हमने लागू कर दिया, तो हमने कोई विपरीत काम तो किया नहीं, संविधानतर कोई काम हमने नहीं किया, जो प्रावधान है उसको लागू कर दिया भाई। बीजेपी में लगता है छत्तीसगढ़ में थोड़ा लीडरशिप में लैक ऑफ क्लैरिटी है, आप किसको चाहेंगे एज योर ओपोनेंट, रमन सिंह जी या उनकी कलेक्टिव लीडरशिप?
अब वो तो खुद ही, मैं तो चाहता था रमन सिंह रहे, एक बार तो लड़े हैं थोड़ा सा, फिर युद्ध हो जाए तो एक बार और हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहती भाई उसको। वो पुरिंदेश्वरी जी प्रभारी थे, अब तो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अब आपकी पार्टी चेहरा कौन होगा, बोले कोई चेहरा नहीं होगा। तो उसके बाद रमन सिंह से पूछा गया, पत्रकार तो पत्रकार हैं, वो चुप कहाँ रहने वाले हैं, रमन सिंह के पास पहुँच गए। तो रमन सिंह जी का छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूँ, वो फिर पहुँच गए पुरिंदेश्वरी के पास, बोले छोटा चेहरा भी नहीं है। तो आज स्थिति यही है कि वहाँ कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ चेहरा केवल ईडी और आईटी है, इससे बड़ा चेहरा और क्या चाहिए आपको। आप जब सामने आए पॉलिटिक्स में, दैट वाज अराउंड 2013 में, वो जो आप जब छत्तीसगढ़ में सामने जो अपोजिशन पॉलिटिक्स में, उसको प्रेसिडेंट कांग्रेस थे, हाँ नहीं मैं तो वैसे मतलब पहले से थे, पर आप जब एकदम सेंटर स्टेज जो आए पार्टी में, वो दैट मस्ट हैव बीन अराउंड आई थिंक 2013-2014, वो टाइम भी था जब मोदी जी उभर के आए एट द सेंटर। आप मतलब आपको क्या लगता है इन द टाइम ऑफ मोदी ऑपोजिशन जो है उसको किस तरीके से अपनी सोच या अपनी प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी, क्या चीज़ है जो इस वक्त पॉलिटिक्स करने के लिए ऑपोजिशन के लिए वो डिफरेंट है क्योंकि मोदी जी दूसरी तरफ हैं। देखिए अभी बहुत गंभीर सवाल आपने किया है तो मैं बताना चाहूँगा आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो नेतृत्व है उनमें अब मोदी जी पर विश्वास रहा नहीं, उनको मोदी जी के जो प्रसिद्धि है उस पर विश्वास नहीं रहा, नहीं है क्योंकि अब वो बुलडोजर की बात करते हैं तो बुलडोजर योगी जी का है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, छत्तीसगढ़ में वो अरुण साहु जी अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो बोले हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलाएंगे, मतलब मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, वो योगी जी की बात कर रहे हैं। तो जो लोकप्रियता है मोदी जी के अब घटते जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। अब हम लोग ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड द माइक विल कम टू यू, द जेंटलमैन ओवर देयर, प्लीज टेक योर नेम बिफोर यू। मेरा नाम कुर्बान अली है, कुर्बान अली मेरा नाम है, छोटा सा पत्रकार हूँ जी। भूपेश बघेल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक है छत्तीसगढ़ में, तो आपकी सरकार का रोल दूसरी बीजेपी सरकारों से कुछ बेहतर नहीं रहा, क्रिश्चियंस के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचारों की कई घटनाएं हुई, हेट क्राइम्स हुए, हेट क्राइम्स को रोकने में भी आपकी सरकार विफल रही। मेरा दूसरा सवाल इसमें इसी से जुड़ा ये है कि क्या आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो आपके नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 82% लोगों की बात करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में आप कहें तो माइनॉरिटी जो प्रतिशत है बहुत कम है, यदि मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें, क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी 2% के आसपास होगा और मुस्लिम माइनॉरिटी भी है वो 1.5% के हिसाब से। हमारे यहाँ उस प्रकार के भेदभाव नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसकी कोशिश करते हैं कि किसी बहाने, अब शमशान घाट के नाम लेके वो लोग राजनीति करना चाहते हैं। और आपको बताऊं, शायद आप भी व्हाट्सएप से प्रभावित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायणपुर में इस प्रकार से हिंसा की, हमारे एसपी ने, वो घुस रहे थे वहाँ बच्चों के स्कूल में हॉस्टल में, वो अपने सर पे वार ले लिया लेकिन वो घुसने नहीं दिया। और आपको बताऊँ वो भारतीय जनता पार्टी जो जिला अध्यक्ष 4 महीने जेल में रहा, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यदि माइनॉरिटी पे, यदि कानून को हाथ मिलेगा चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो कोई दूसरा हो, कानून का राज है हमारे यहाँ। आप यदि गलत करेंगे माइनॉरिटी होने के नाते आपको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी में है तो आपको अन्याय करने के भी अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते। और दोनों के खिलाफ कार्रवाई हमने की है, अनेक उदाहरण दे दूंगा आप, मुस्लिमों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई साहब, क्या बात करते हैं आप। और मेरा प्रदेश है जहां मोहम्मद अकबर साहब लड़े चुनाव,
जहाँ मुश्किल से 0.25% भी मुसलमान नहीं हो, नहीं है वहाँ। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला है, 60,000 वोट से जीता। तो इस प्रकार से भेद डालने की कोशिश ही क्यों किया जाता है? हमारे उस प्रकार से माहौल नहीं है, कुछ लोग बनाने की कोशिश करते हैं लोग, ये बात सही है। ये हमारे भाजपा के मित्र हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, आरएसएस वाले बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। कमरधम केस हुआ, उसके तत्काल बाद नगर निगम भिलाई, चरौदा, जामुल, बीरगांव के चुनाव हुए, हम एक तरफा चुनाव जीते। ये लोग उसको भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने तत्काल कार्रवाई की। जो भी गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको, सबके खिलाफ वीडियोग्राफी थी, फोटो देखे, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप यदि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करें, सब अंदर, जिसने भी किया। The gentleman here. देखिए, एक चीज है कि मैंने जो 2019 से 2024 का जो उद्योग नीति है, उद्योग नीति 2024, वो सारे उद्योगपतियों के कई बार हमने सम्मेलन किया और उनके जो सुझाव है सबको शामिल किया। और हमने उद्योगों के लिए जब ये पॉलिसी बनी और उसका हमने विमोचन किया, सारे उद्योगपति आए थे, तो मैंने पूछा इस उद्योग नीति से आप इस उद्योग नीति के बारे में आप क्या कहेंगे। तो एक लाइन कही उन्होंने कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से कोई भी उद्योगपति एनपीए नहीं होगा, जबकि देश में दौर चल रहा है कि बहुत लोग हमारे यहाँ बैंक करप्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की नीति इस प्रकार से 60% से लेकर 150% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और यदि 100 करोड़ से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिस्पोक पॉलिसी के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। तो और सोलर पंप की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलर पंप हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पूरे देश में अव्वल नंबर है, है ना? आइए, आपका स्वागत है। मैं तो भारत सरकार से ये भी कहा कि ये सोलर पैनल लगाने के लिए जो जंगल हमारे जो उजड़े हुए जो पथरीला इलाका है तो वन लिखा हुआ है, लेकिन पत्थर धूप भी नहीं उगता। मैं बोला ऐसे जगह में, और वही बिजली की कमी है, क्योंकि वनांचल में आप बिजली नहीं ले जा सकते, पानी की व्यवस्था, क्योंकि बांध नहीं बना सकते, सिंचाई की व्यवस्था नहीं। लेकिन ये है कि शहर वालों को ऑक्सीजन देने के लिए वो जो जंगल में जो हमारे लोग रह रहे हैं वो उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। तो मैंने कहा उसके लिए कम से कम 5 एकड़ में कम सोलर पंप सोलर पैनल लगाने का अनुमति दे दीजिए, ताकि उन जो जंगल में रहने वाले को भी बिजली का लाभ मिल सके। लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी, दुर्भाग्य से। सर, मेरा सवाल मंत्री जी से ये है कि जो देश की मेन जो प्रॉब्लम है वो है भ्रष्टाचार जी, और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी या आप आजकल और भी 10-11 दल हैं आपसे मिल रहे हैं, जो ब्लैक मनी के ऊपर जो पहले 2014 में बात होती थी, आज उस पर राहुल गांधी या कोई भी लोग ये क्यों नहीं कहते कि आज की डेट में स्टेटस क्या है स्विट्जरलैंड में जो पैसा है, और उसको लाने के लिए क्या करेंगे? ये हिंदू मुसलमान ये तो सब डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, तो उसका भी फ़ायदा आप लोग भी शायद वैसे ही उठा रहे हैं, क्योंकि जो ईडी की बात है या कोई और बात है तो ये तो अभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भी ऐसी मिसयूज़ करेगी, लेकिन जनता तो ठगी महसूस करेगी ना, पैसा तो आ नहीं रहा कहीं से, भ्रष्टाचार कहीं से कम होता दिख नहीं रहा, और दो जगह पैसा जाता है, या तो विदेशों में जा रहा है, या जो दूसरी जो मेन चीज़ है जो आप लोग भी कर सकते हैं, आप क्योंकि आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, फ़र्ज़ करो 20 लाख की एक ज़मीन है तो उसकी सर्कल रेट से तो कुछ होता नहीं है, उसमें 2 करोड़ की वैल्यू के स्टैम्प पेमेंट होती है, उसके लिए सरकारें कर क्या रही है? पूरे 28-29 राज्य हैं, उनमें कोई भी चीफ मिनिस्टर आके ऐसे नहीं कह पा रहा है कि जो लैंड में जो स्कैम है इतना बड़ा, और जो पैसा आज की डेट में स्विट्जरलैंड में है उसके ऊपर कोई भी पार्टी क्यों बात करने को तैयार नहीं? क्या आज की डेट में सारी पार्टियों का पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हुआ है जो उस बारे में कोई बोलना नहीं चाहता? थैंक यू। भ्रष्टाचार की बात आपने कही, और उसके सबसे सही तरीका ये है कि योजनाएं ऐसी बने कि जो बजट का पैसा है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो। और मैंने अपने जो सवाल के उत्तर है उसमें मैंने कहा 1,60,000 करोड़
अभी हमारे बजट ही कितना है, 1,20,000-30,000 करोड़ अब पहुंचा है, लेकिन इसके पहले तो 80-85,000 करोड़ से हमने शुरू किया था और उसमें से 1,60,000 करोड़ के डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ था। हम ना चप्पल जूता खरीदे था पिछले सरकार जैसे खरीदती थी, ना टिफ़िन खरीदा, ना मोबाइल खरीद के बांटा, सीधा पैसा उनके बीच में गया। अपने पसंद के कपड़े पहने, अपने पसंद के जूते चप्पल पहने, अपने पसंद के चश्मा ले, अपने पसंद के मोबाइल खरीदे, लेकिन हमने उसे बात ही नहीं किया था, लेकिन पिछली सरकार ने किया था। दूसरी बात, आपने कहा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी खूब यहाँ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार की बात कहे थे, और ये जो पेट फुलाने उसका आने वाला क्या नाम था उसका, लाला रामदेव, आजकल वो बड़े गणितज्ञ बन गए थे उस समय कि इतना विदेशी धन इस देश में, इतना विदेशी धन इस देश में, इतना वहाँ ब्लैक मनी वहाँ है, वो इतने आएंगे, और उसी कैलकुलेशन में दूसरा जो व्यक्ति है उन्होंने कहा 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। एक ने हिसाब बताया, दूसरे ने उसको वितरित कर दिया, आया कुछ नहीं। तो सवाल उनसे कब पूछेगी जनता? दूसरी बात यह है, विदेशी धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी बंद लिफाफा गया, उसमें क्या हुआ आज तक कोई पूछने वाला नहीं, वो लिस्ट कहाँ है, उसमें कार्रवाई क्या हुई है। तो बात यह है कि आपकी योजना इस प्रकार से, दूसरी बात यह है, आज एक और बात लोगों से पूछना चाहिए कि इतने अधिक जो उद्योगपति है छत्तीसगढ़ बोलता हूँ हिंदुस्तान से पलायन क्यों कर रहे हैं? कोई आंकड़ा है किसी के पास? आज सब के दूसरे देशों में कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि यहाँ धरा जाएगा तो वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो जाए। इतना भयक वातावरण क्यों है? तो ये सारी बातें हैं जो जिसके उत्तर एक मंच में बैठ के नहीं किया जा सकता, इसमें लंबी चर्चा हो सकती है, बहस भी हो सकती है, इसको रोका कैसे जाए। आज तो ट्रेंड बन गया कि कोई भी यदि सरकार की निगाह टेढ़ी होती दिखाई दे रही तो तुरंत व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश की नागरिकता लेना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति हो गया है हिंदुस्तान में जी। There is a lady here. Yeah. हाँ, उनको मौका मिलना चाहिए जी। और आप नहीं देंगे तो कौन देगी? जी गुड इवनिंग, मेरा नाम जसरिता है, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती हूँ। तो हमने यहाँ पे गुजरात मॉडल के बारे में थोड़ी चर्चा सुनी, आपने बताया कुछ और मॉडल्स भी हैं इस देश में, जैसे कि केरला मॉडल, जैसे कि दिल्ली का एजुकेशन और हेल्थ मॉडल। दिल्ली के इलेक्टोरेट हूँ मैं, वोटर हूँ। तो हमने आप वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, आपने इन सब मुद्दों की बात करी, लेकिन आप अब जब इलेक्शन में जाएंगे तो क्या हेल्थ और एजुकेशन आपके लिए मुद्दा है? क्योंकि हेल्थ के बारे में हमने कुछ सुना नहीं, क्या आप इसके बेसिस के ऊपर भी इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि वो सवाल पूछे नहीं, इसका आंसर मैंने उत्तर, तो मैंने आप पूछ रहे हैं, मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में हेल्थ की स्थिति बहुत खराब थी, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात यह है कि लोगों की ये हो गया हम जैसे हैं वैसी होंगे, मतलब किसी को मलेरिया है तो सालों साल से मलेरिया है, उसको पता ही नहीं कि, लेकिन वो सोचता है कि बस ऐसी ही जिंदगी है। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल खुले हुए हैं लेकिन वो हॉस्पिटल कोई जाता नहीं, हाट बाजार जाते हैं, हमारे बाजार की परंपरा है, गांव में भी है शहरों में भी। तो हमने कहा कि डॉक्टर को वहीं भेज देते हैं, तो करीब 1800 बाजार हमने चिन्हित किया और वहाँ हम लोगों को, उसमें डॉक्टर भी है, नर्स भी है, दवाई है, 10 प्रकार के खून जांच की व्यवस्था है, सब निःशुल्क है। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि करीब 1 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ लिया, शहर में भी गांव में। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में और तब से लेकर आज तक के हमारे यहाँ, पहले तो मलेरिया से मौत तो बड़ी बात थी, उल्टी 10-10 लोगों की मौत हो जाती थी। हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो हमारा पावर सत्र में पहला ध्यान आकर्षण ये स्थगन यही होता था कि बस्तर में, सरगुजा में उल्टी 10 से इतने लोगों की मौत हो गई, जांच टीम भी यहाँ से गई पिछले सरकारों में। आज वो बात नहीं होती, हमने हेल्थ सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया,
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हमने शुरू करी जिसमें 5 लाख तक की सुविधा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हम लोगों ने 25 लाख तक के जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें हम लोग सहायता देते हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने बड़ा काम किया और आज ये सारी चीज़ें, अब श्री धन्वंतरी योजना हमने शुरू की जिसमें जेनरिक मेडिसिन मिलता है ब्रांडेड कंपनियों की, जिसमें 50-70% तक की छूट मिलती है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपये लोगों को बचे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको कहूँगा कि पहली बार शासन की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया हमारी सरकार में, स्वामी आत्मानंद जी थे उसके नाम से, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए और कोरोना काल के समय अधिकारियों के साथ बैठे रहते थे, सीएम हाउस से बाहर निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा है, अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग करते थे। मीटिंग समाप्त होने के बाद मैंने अधिकारियों से एक बात कही कि 20 साल हो गए, 2020 की बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 20 साल हो गए लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जहाँ आप अपने बच्चों की इलाज करा सकें, परिवार के लोगों की इलाज करा सकें, और एक स्कूल नहीं बना पाए जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बात लगी अधिकारियों को, 3 स्कूल चिन्हित किए गए, 3 स्कूल से हमने शुरुआत की। आज 377 स्कूल है अंग्रेजी माध्यम के और उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के भी 350 के। तो इस प्रकार से करीब 750 स्कूल जो है वो हमारे उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के हैं और इसमें 4.25 लाख बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और पहली बार इस साल, चूँकि 3 साल शुरू हो गया, 12वीं पढ़ के निकल भी रहे हैं, तो कॉलेज क्या है, तो इस साल 10 कॉलेज हम लोग अंग्रेजी माध्यम के शुरू किए हैं। तो ये क्योंकि जैसे बस्तर है या सरगुजा में जाता हूँ, जब भी दौरे में जाता हूँ तो वहाँ 2 ही मांग रहती है, एक तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो, दूसरा हमारे यहाँ बैंक खोल दो। पहले बैंक के चपरासी देख के भागते थे लोग, अब बैंक क्योंकि सबके पास पैसा हो गया है तो उनको ट्रांजेक्शन करना है, पैसा निकालना है, जमा करना है, तो उसके लिए बैंक मांगते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन में हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो हेल्थ के जो वर्कर हैं इतना बढ़िया काम किए कि कोरोना काल में आप दिल्ली में रहती हैं तो ये मोहल्ला क्लिनिक कितना आपको सपोर्ट किया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे यहाँ जो मितानिन हैं जिसे दूसरी जगह आशा वर्कर वगैरह कहते हैं और हमारे हाट बाज़ार क्लिनिक के जो लोग हैं इतना बढ़िया काम किए कि न पहले लहर में और दूसरी लहर में इन लोगों ने हजारों लोगों की जान बचाई, वो सारे ट्रीटमेंट भी करते रहे, उसे बड़ा लाभ मिला। नितिन अग्रवाल, ग्रुप CEO रेलिगेयर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग जब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हो रहा है, आपने आके यहाँ बताया तो काफ़ी जानकारी मिली, मगर एक चीज़ मन में हमेशा दुविधा रहती है कि जो पढ़ा लिखा क्लास है देश का वो ये देख रहा है कि TV के चैनल पे, पत्रकार के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से जो काम हो रहा है कि 4 बक्से बने हुए हैं उसके अंदर लोग मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, कई बार आपस में फिजिकली भी लड़ रहे हैं, और जिस तरह की चर्चा हो रही है उससे देश के पढ़े लिखे तबके को तो खुशी नहीं हो रही है। तो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो लेवल है, पॉलिटिकल डिबेट का जो लेवल है वो इतना नीचे चला गया है देश में। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी तरफ से क्या हुआ, मगर अगर एक ने -10 का बात कही तो अगला -20 कर रहा है, वो -30-40 करते करते -100 चला गया। तो इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलजुल करके कुछ करना पड़ेगा। आप काफ़ी एक मुखर वक्ता हैं और मुखर बात करते हैं, तो क्यों ना इसकी कोई पहल की जाए आपकी तरफ से, या कुछ क्या किया जाए कि देश में ये स्तर जो है बेटर हो सके कुछ पहले से। बस सीधी बात है, आप लड़ते हैं इस कहां से दूसरे लड़ाते हैं, और लड़ाने वाले हमेशा होशियार होते हैं और आनंद लेते हैं, वो डॉक्टरों की मदद करते हैं कि वो लड़ते हैं बॉक्स के अंदर में, तो आपका BP बढ़ जाता है, डॉक्टर का भी फायदा हो जाता है। आप अपने दिमाग को क्यों एंगेज कर रहे हैं, कचरा क्यों डाल रहे हैं? ये जितना आप कचरा डालेंगे दिमाग में उतना आप तनाव में रहेंगे, उतना जीवन सरल नहीं रहेगा। तो जीवन को सरल बनाइए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सहज रहिए, सरल रहिए, और इसे जितना दूर रह सकें उतना अच्छा है। आजकल तो आज वही है कि धीरे धीरे लोग समझ, पहले जब आप छोटे रहे होंगे 75 के 80 के दशक में तो आप खुद चिपके रहते थे टेलीविजन से, लेकिन आप समझ गए हैं, हम दूर हो गए हैं, अब दूसरी पीढ़ी वो भी समझ जाएगी साहब, तो ये जो लड़ने लड़ाने काम है वो ख़त्म हो जाएगा और सही दिशा में धीरे धीरे परिपक्व होगा। कोई भी चीज़ जब नहीं आती है ना तो उसके पीछे लोग भागते हैं, पहले रेडियो आया तो रेडियो के पीछे भागते थे, सैकड़ों लोग एक घर में बैठे रहते थे, वो बड़ा सा एंटीना तार लगा रहता था,
उसके बाद टेलीविजन आया सब, तो चित्रहार देखना है तो सब लोग ठीक करते रहते थे, झील में लाया तो तुरंत ठीक करने लगते थे, उसके पीछे भागते थे। आज अब वो भागना कम हो गया है, तो कैसे अलग अलग सेक्टर को लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फुटबॉल नहीं बनना है, इधर इधर से किक मारा उधर गए, उधर किक मारे इधर आए, ये काम नहीं होना चाहिए। अपने एक विवेक से हम लोगों को काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे परिपक्व होगा और इस सबसे उभरेंगे। और सही जो देश की जो समस्या है, समाज की जो समस्या है, युवा वर्ग की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, उसके मामले में हम लोग चर्चा करेंगे। कैन वी हैव द माइक हियर प्लीज। मेरा नाम देवराज मुखर्जी है, मैं एक शिक्षक हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। लोकतंत्र में अक्सर ऐसा होता है सर कि लोग अपने बारे में या अपने अपने जो विभाग है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, यही तरीका होता है। तो मैं अपने विभाग से ये पेश करना चाहूँगा कि पारंपरिक तो ये रहा है इस देश में कि नेहरू जी के समय से कि उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया और शिक्षा विभाग जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको राजनीति से परे रखा गया ताकि वो अपना काम करे। लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ 2014 से कुछ साल पहले से हमें जो अनुभव हुआ, जो हमारे अंदर एक भावना है कि आपके पार्टी की तरफ से भी एक नज़रिया बदले कि ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन में बहुत पैसा जाता है तो इसमें निजीकरण होना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए। और हमारे अंदर हमारे बहुत लोगों में ये भावना है कि इस मामले में उच्च शिक्षा के बारे में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अब जो हो रहा है बहुत ही और घिनौना तरीके से शायद हो रहा हो, लेकिन ये जो मानसिकता है उसमें ज़्यादा परेपन नहीं है। मेरी गुजारिश ये है साहब कि आगे चलते अगर कुछ बदलाव आए इस देश में आप इसके बारे में सोचें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसीलिए चलने लगा है क्योंकि असली यूनिवर्सिटी का प्रकोप कम हो गया है, उसको जितना बढ़ावा देंगे उतनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप सवाल एक लाइन में कर दें, हो गया सर ये? नहीं, आपने विस्तार से बात की, एक लाइन में सवाल करेंगे। सवाल ये है कि अगर आप दोबारा सत्ता पे आते हैं तो उच्च शिक्षा के बारे में आपकी नीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात यह जो शिक्षा के बारे में आप नेहरू जी से लेकर अब तक के बात किए और इसके बाद अलग अलग सरकारों में अलग अलग समय में जो परिस्थितियां बनी, अर्थव्यवस्था जैसी रही उसके हिसाब से वो लोग निर्णय लिए। तो आज जो स्थिति है कि जो सरकारी जो स्कूल है और उसके बाद निजी स्कूल, तो इसकी जो तुलना हुई उसी प्रकार से जो आज भी आप देखेंगे यदि कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज उतने कहाँ सफल हुए हैं, स्कूलों में जरूर हो गए हैं आज भी, लेकिन जितने भी हमारे बड़े संस्थान हैं वो तो शासकीय हैं, चाहे IIT कहें चाहे IIM कहें। बताइए भला प्राइवेट में इतना बड़ा IIT किधर है, कितने हैं? जितने IIT गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज कितने सफल हो पाए प्राइवेट में जितना गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट के हैं और इसको अब लाभकारी बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर फीस अधिक लगेगा, तो जो मिडिल क्लास है लोअर क्लास के हैं वो लोग इसमें कैसे जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हमने जो, जैसे मैंने बताया ना कि हमने अंग्रेजी स्कूल खोला, तो जो एक सीट है उसके अगेंस्ट में 10-10, 15-15 आवेदन हैं क्योंकि वहाँ निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, तो सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और इसी कारण से जितने प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छे नहीं थे वो बंद हो गए, लेकिन जो सफल स्कूल हैं, स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, जरूर चल रहे हैं, आप आज भी चल रहे हैं। तो ये तुलनात्मक स्थिति रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक सेक्टर में पहले जैसे रहता था ना कि बस के बारे में कहते थे कि ये सरकारी बस है वो बहुत खटारा होता है, तो प्राइवेट की बात हुई, अब जैसे हम छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए, हमारे पिछले समय बंद हो गया है जो परिवहन निगम, तो जो प्राइवेट जो बसेस हैं वो खटारा हो गई साहब, क्योंकि उसको कोई अब उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन बने रहना चाहिए, बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी व्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद उसमें जड़ता आ जाती है, रुक जाती है। एनी मोर क्वेश्चंस? भूपेश जी, ख़त्म करने से पहले
एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियो इंटरव्यूज़ देखे थे ये आज की प्रिपरेशन के लिए, और उनमें एटलीस्ट दो में आपने गाना गाया था, तो हमको बहुत बुरा लगेगा अगर आपने नहीं। इतने तीखे सवाल होने के बाद तो गला खराब ही हो जाता है तो गाना मत गाइए, हम बुरा मानेंगे अगर आप नहीं गाएंगे हमारे मंच पे। लीजिए साहब, क्षमा कर दीजिए। नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, Vandita. Thank you, Manoj, for such a lovely and insightful conversation. May I now invite Mr. Raj Kamal Jha, Chief Editor, The Indian Express, to present a token of appreciation to Mr. Baghel. This illustration is by Suvajit Day. I'd now like to invite Nitin Agarwal, Group CFO, Religare Enterprises Limited, to present Mr. Baghel with a bouquet. Thank you, Mr. Agarwal. Ji, please. As we conclude.